ये तस्वीरें इस समय देख रहे हैं करनाल के मेरठ रोड पर। मेरठ रोड स्टेट हाईवे जो एक सिंगल हाईवे है जहां पर रोजाना कोई ना कोई सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। देर रात को यहां पर दो से तीन ट्रकों में टक्कर होती है जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, जिसके बाद कई कई किलोमीटर लंबा जो है मेरठ रोड पर जाम सुबह तक लगा हुआ है, क्योंकि एक गाड़ी को तो साइड में कर दिया गया जबकि दो गाड़ियां अभी भी आगे बीच रोड पर खड़ी है। हालांकि फोर लेन बनाए जाने का काम बताया जा रहा है कि शुरू कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं काम को और ज्यादा स्पीड से किए जाने की जरूरत है। और आप देख सकते हैं कि मेरठ रोड पर हादसे रोजाना होते हैं जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि किस तरह से दो से तीन ट्रकों में टक्कर बताई जा रही है, जिसमें एक ड्राइवर की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। ये लाइव तस्वीरें समय मेरठ रोड से देख सकते हैं। हम आपको आगे की तस्वीरें दिखाएंगे और दिखाएंगे कि किस तरह से पूरी मेरठ रोड पर जाम ही जाम लगा हुआ है। रात से यह जाम है, रात से लोग बीच में फंसे हुए हैं क्योंकि दो गाड़ियां अभी भी आगे मेन रोड पर खड़ी हैं, उनको क्रेन की मदद से हटवाया नहीं गया और पूरा मेरठ रोड जाम देखा जा सकता है। ये लाइव तस्वीरें करनाल के मेरठ रोड से आप देख सकते हैं, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, हम आपको आगे की भी लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। ये तस्वीरें इस समय करनाल के मेरठ रोड की देख सकते हैं, जहां पर एक साथ कई गाड़ियों के बीच में, दो से तीन गाड़ियों के बीच में टक्कर बताई जा रही है। और आप देख सकते हैं कि टक्कर काफी जोरदार रही होगी। एक गाड़ी जैसा कि हमने पहले आपको दिखाई कि किस तरह से वह भी बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुई थी, एक गाड़ी यहां पर खड़ी है जिसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। और जिसके बाद मेरठ रोड पर कई कई किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। जी हाँ, मेरठ रोड पर जो एक सिंगल स्टेट हाईवे है जिसको हालांकि फोर लेन किए जाने का काम अब शुरू हुआ जरूर है, लेकिन प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है ये काम आगे बढ़ना चाहिए, तेजी पकड़नी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि मेरठ रोड पर काफी लंबा जाम जो है लग चुका है। जानकारी ये मिली थी कि शायद एक ड्राइवर की मौत भी हुई है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कहा जा सकता। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से सैकड़ों की संख्या में जो गाड़ियां हैं इस जाम में फंसी हुई है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को शेयर जरूर करें और जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको कुछ और तस्वीरें भी दिखाएंगे। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं मेरठ रोड पर, जब भी कभी कोई सड़क हादसा होता है कई कई किलोमीटर लंबी जो है लाइनें लग जाती हैं, लंबा जाम लग जाता है, क्योंकि समय रहते यहाँ पर पुलिस नहीं पहुँचती है और ना ही दुर्घटनाग्रस्त हुए व्हीकल्स को तुरंत जो है क्रेन बुलाकर साइड में किया जाता है, जिस कारण आप देख सकते हैं कि परिवार भी गाड़ियों में फंसे हुए हैं, लोग भी गाड़ियों में फंसे हुए हैं। करनाल मेरठ रोड की आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहाँ पर दो ट्रकों में बताई जा रही है कि टक्कर होती है, जिसके बाद आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से तड़के सुबह से कई घंटे हो चुके हैं और इस लंबे जाम को लगे हुए करनाल तक, मेरठ सीमा से लेके करनाल तक कई किलोमीटर लंबा जाम आप देख सकते हैं, जिसकी लाइव तस्वीरें समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि आखिरकार मेरठ रोड को फोर लेन किए जाने की बात सालों से की जा रही है, हालांकि पिछले दिनों जानकारी मिली थी कि शायद इसको काम शुरू कर दिया गया है, लेकिन देखना होगा कि आखिरकार ये काम कितनी तेजी से जो है आगे चल पाता है ताकि इस रोड पर जो सड़क हादसे हैं उस पर लगाम लगाई जा सके। और हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जुड़े रहिएगा हमारे साथ और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। पूरा मेरठ रोड, जी हाँ पूरा मेरठ रोड जाम ही जाम है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं।